लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में ज्यादातर दलों का समर्थन मिला। इससे पहले दिन में हुई चर्चा में विपक्षी दलों ने विधेयक में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और बिना परिसीमन के ही कानून लागू करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने विधेयक को राजीव गांधी का सपना बताया तो टीएमसी ने ममता बनर्जी को विधेयक की जननी करार दिया। सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का स्वागत भी किया। महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू नहीं करने के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए सभी दलों से महिला आरक्षण बिल के समर्थन की अपील की। अमित शाह ने कहा कि बिना जनगणना और परिसीमन के किसी सीट को रिजर्व करना संभव नहीं है। अमित शाह ने संकेत दिए कि प्रक्रिया पूरी होने में इतना समय लगेगा कि कानून 2029 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के सचिव पद पर तैनात अफसरों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अफसरों की तैनाती नहीं होने का सवाल उठाया। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी और देश भर की विधानसभाओं में करीब 27% से अधिक बीजेपी विधायक भी ओबीसी समुदाय के हैं। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम ने मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि महिला आरक्षण कानून में एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को 33% आरक्षण में अलग से कोटा दिया जाए। ईरान में आज इस्लामिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को 10 साल तक की कैद की सजा का कानून पारित कर दिया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक अभी ये कानून 3 साल के लिए ही लागू किया गया है। कानून को गार्डियन काउंसिल से मंजूरी मिलना बाकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत ने जानकारी दी कि G20 सम्मेलन के दौरान भारत आए राष्ट्रपति बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्योता दिया है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले 43 कुख्यात आरोपियों की तस्वीर जारी की है। आरोपियों की संपत्ति और कारोबार के बारे में जानकारी की अपील भी की गई है।